अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस अबाउट द चैप्टर नंबर 11 जो कि हम साउंड के एलिमेंट डिस्कस कर रहे थे। उसके आज हम पेज नंबर 24 को डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम हमने बेसिकली डिस्कस किया था हाउ द साउंड इज़ प्रोड्यूस, हाउ द साउंड वेव्स प्रोपोगेट फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस इफ़ एनी मीडियम रिक्वायर्ड, तो हमने उसको डिस्कस किया था। फिर उसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो वेव्स होती हैं स्टूडेंट्स, वो बाय नेचर कैसी होती हैं, यानी कि टाइप्स के लिहाज से कौन सी होती हैं, कि वो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं क्या, मैकेनिकल वेव्स होती हैं, जिसको हमने रिजल्टेंट डिस्कस किया था ट्यूनिंग फोक के साथ, कि हमने ये बताया था कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं क्योंकि उसके पार्टिकल्स के दरमियान रिफ्रैक्शन और कंप्रेशन क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। आज हम पेज नंबर 24 के ऊपर डिस्कस करेंगे, डेट इज़ कॉल्ड इंटेंसिटी। स्टूडेंट, इंटेंसिटी क्या होती है? इंटेंसिटी डिस्क्राइब बाय द साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकेंड थ्रू अ यूनिट एरिया परपेंडिकुलर, यानी कि अगर कोई एरिया परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है तो उसमें से जो साउंड की एनर्जी का पास थ्रू होना है, ठीक है। परपेंडिकुलर कैसे, कोई देखे फॉर एग्जांपल जैसे मेरा हाथ है, ठीक है, और ये लाइंस हैं, ये इसके क्या हैं, परपेंडिकुलर्स हैं, ठीक है। इस तरह कोई एरिया पड़ा हो उसमें से साउंड एनर्जी या साउंड सॉरी वेव्स पास थ्रू करें, ठीक है, परपेंडिकुलर हो, ठीक है, तो सोर्स यहाँ से यानी कि साउंड जहाँ से प्रोपोगेट हो रहा हो, डेट इज़ कॉल्ड द इंटेंसिटी। इसको हम क्या कहते हैं, इंटेंसिटी कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। याद रखें जो इंटेंसिटी होती है एक फिज़िकल क्वांटिटी होती है। स्टूडेंट, जो भी फिज़िकल क्वांटिटी होती है उसकी दो मेजर करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, एक होती है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, दूसरी क्या होती है उसका यूनिट। इसका मतलब है अगर इंटेंसिटी आप क्या फिज़िकल क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, तो उसका कोई ना कोई क्या होगा, यूनिट होगा। तो ये फिज़िकल क्वांटिटी का जो यूनिट है डेट इज़ कॉल्ड वाट पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि बेटा देखिए डेफिनेशन के अंदर हम पढ़ रहे हैं साउंड एनर्जी, ठीक है, एरिया परपेंडिकुलर, ठीक है, एनर्जी जो उनकी है, ठीक है, कंसीडर बाय द पावर, ठीक है, डिस्कस करते हैं हम पावर के इसको पैरामीटर्स के ऊपर, ठीक है, और जिस एरिया पर पड़ा होता है उसको मीटर स्क्वायर कहते हैं, इसलिए हम इसको पढ़ते हैं वाट पर मीटर स्क्वायर पढ़ते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है डेट इज़ कॉल्ड साउंड इंटेंसिटी लेवल। स्टूडेंट याद रखें, किसी भी साउंड के इंटेंसिटी लेवल को हमने क्या करना हो, मेजर करना हो, तो उसके लिए एक हमें नाउन साउंड चाहिए होता है, यानी कि एक ऐसा साउंड जिसकी हमें लाउडनेस क्या हो पता हो या जिसकी हमें इंटेंसिटी मालूम हो। फिर उसमें से हम दूसरे जो साउंड लेवल जिसको अननोन होता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, फाइंड आउट करते हैं। किस तरह फाइंड आउट करते हैं, दोनों का कंपैरिजन कर लेते हैं, यानी कि या तो हम सब्ट्रैक्शन मेथड की तरफ जाते हैं या किसी दूसरा मेथड को क्या करते हैं, कंपैरिजन के ऊपर लाते हैं, ठीक है स्टूडेंट, याद रखें। और जो इंटेंसिटी होती है स्टूडेंट्स, यानी कि साउंड एनर्जी, ठीक है, जिसको हम इंटेंसिटी की बात करते हैं, तो साउंड एनर्जी अभी हमने डिस्कस की है, साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकेंड थ्रू द परपेंडिकुलर एरिया। तो ये साउंड एनर्जी जो परपेंडिकुलर एरिया में से जितनी ज़्यादा गुजरेगी उसकी इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब है ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, आपके पास लाउडनेस के ऊपर डिपेंड करती है। कोई चीज़ या कोई भी साउंड सोर्स ऑफ साउंड जितना लाउड होगा स्टूडेंट्स, उतनी इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसको हम क्या करते हैं कि इसको हम फैक्टर 10 के साथ क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये पावर्स नेगेटिव्स के अंदर भी होती हैं, पॉजिटिव के अंदर भी होती हैं, यानी कि एक ऐसे सिस्टम के अंदर हम इसको डिस्कस करते हैं जिसमें कॉमन फैक्टर जो होता है वो 10 होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी और याद रखें 10 के सिस्टम को हम जब भी सॉल्व करते हैं तो उसके लिए हम मैथमेटिक्स की एक ब्रांच यूज़ करते हैं, उसको हम कहते हैं लॉगरिथम कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। जो लाउडनेस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, लॉग आई के, ठीक है, यानी कि लॉग हमने इसलिए लिया क्योंकि हम फैक्टर 10 को लेकर साथ चल रहे हैं, तो इसलिए हमें इसको सॉल्व करने में आसानी होगी अगर हम लॉगरिथम के थ्रू क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना शुरू करें। कहते हैं लाउडनेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉग आई, ठीक है, कि यानी कि जो आपकी लाउडनेस होगी, ठीक है, यानी कि कोई भी साउंड की इंटेंसिटी जो ज़्यादा होगी वो किसकी वजह से होगी, आपकी लाउडनेस की वजह से होगी, ठीक है जी। तो कहते हैं यहाँ पर हम प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म करते हैं, तो यहाँ पर कैपिटल के आता है, डेट इज़ कॉल्ड कॉन्स्टेंट। इसको हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टेंट कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। एक हमारे पास फेंटेस्ट साउंड होता है जिसकी इंटेंसिटी होती है आई नोट, ठीक है। लाउडनेस ऑफ द फेंटेस्ट साउंड इज साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉग आई नोट। यहाँ पर हम प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म करते हैं, तो यहाँ पर के आ जाता है। पहली इक्वेशन जो हमें अननोन साउंड, याद रखिए हमारे पास अननोन साउंड है और ये हमारे पास नाउन साउंड है। याद रखें स्टूडेंट्स, जो सबसे फेंटेस्ट साउंड होता है वो क्या होता है, आपकी क्लैपिंग ऑफ द लीव्स होती है, यानी कि जब आवाज़ चलती है और आपस में क्या होते हैं, आपके लीव्स टकराते हैं, ठीक है स्टूडेंट, उससे जो आवाज़ प्रोड्यूस होती है ना, उसको हम कहते हैं सबसे फेंटेस्ट साउंड कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। उसकी एक वैल्यू होती है जो कि हम आगे न्यूमेरिकल्स में भी सॉल्व करेंगे, उसकी वैल्यू होती है 10 रेज की पावर -2,
1:12, ठीक है, ये इंटेंसिटी की वैल्यू होती है। देखिए इसकी वैल्यू होती है इंटेंसिटी की। तो कहते हैं हम दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन टू को वन में से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमारे पास ये याद रखें, डिफरेंस ऑफ द बिटवीन द लाउडनेस, ठीक है, लाउडनेस जोन सी है, एल जोन सा ये अननोन साउंड है, ठीक है, और ये लाउडनेस जो फेंटस यानी कि सबसे लेसर साउंड होता है, लाउडनेस जो होती थी, उन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो क्या कहलाता है आपका, इंटेंसिटी ऑफ लेवल कहलाता है। क्या कहलाता है, इंटेंसिटी ऑफ लेवल कहलाता है। हमने इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो एल माइनस एल नॉट इज इक्वल टू के लॉग आई माइनस के लॉग आई नॉट। इन दोनों में से हमने क्या कर दिया, के को कॉमन निकाल दिया, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पर मैंने बताया आपको डिफरेंस बिटवीन द लाउडनेस ऑफ द एल ऑफ एन अननोन साउंड। यहाँ पर जो एल है वो हमारे पास क्या है, अननोन साउंड है, ठीक है, जिसके हमने इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी, एंड द लाउडनेस ऑफ द एल नॉट, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, नाउन साउंड की क्या इंटेंसिटी है जिसको हम एल नॉट कहते हैं। तो इन दोनों का हम डिफरेंस जब प्रोड्यूस करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, डेट इज कॉल्ड इंटेंसिटी लेवल। ये क्या आ जाएगी, के लॉग आई ओवर आई नॉट। स्टूडेंट याद रखें, हमने पढ़ा हुआ है लॉगरिथम के फंक्शन के ऊपर, जब जो वैल्यू लॉग की माइनस हो रही होती है, ठीक है, तो वो जब हम उनको लॉग की फॉर्म में लिखते हैं तो हम किस फॉर्म में लिख देते हैं उसको, डिवीजन की फॉर्म के अंदर लिख देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, याद रखें इसको, साउंड की रेलिवेंट तमाम चीज़ों को डिस्कस किया था, सबसे पहले ग्राम बेल ने, तो लिहाजा इसके लिए जो यूनिट यूज़ किया जाता है वो बेल यूज़ किया जाता है। बेल एक बड़ा यूनिट होता है स्टूडेंट्स, तो हम उसको डेसीबल में कन्वर्ट करते हैं, तो एक बेल में कितने होते हैं, 10 डेसीबल होते हैं। एक बेल में कितने डेसीबल होते हैं, 10 डेसीबल होते हैं। के की वैल्यू 1 होती है, तो के की जगह हमने 1 पुट कर दिया, बेल को हमने डेसीमल में कन्वर्ट किया, तो जो 10 आएगा वो क्या आएगा, फर्स्ट स्टार्टिंग में आ जाएगा, तो आ जाएगा 10 लॉग आई ओवर आई नॉट आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका बेसिकली क्या है टॉपिक, कि जब हमने किसी भी इंटेंसिटी लेवल को मालूम करना है बिटवीन द टू साउंड्स, सोर्स ऑफ साउंड्स के दरमियान, ठीक है, उसके लिए हमारे पास एक इक्वेशन आ गई जिसको हम कहते हैं 10 लॉग आई ओवर आई नोट, ठीक है, और इसका यूनिट क्या होगा, डीबी होगा, यानी कि 10 डेसिबल, यानी कि इसका यूनिट जो अभी जब भी हम लिखेंगे तो एक किस्म का इसको हमने माइक्रो यूनिट में क्या करना है, इसको डिस्कस करना। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास पेज नंबर 26 के ऊपर जो टॉपिक है, डेट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन हमने बेटा फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ी थी वेव्स के अंदर, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो वेव जोन सी होती हैं वो इंसिडेंट वेव जोन सी होती हैं, वो किसी दूसरे मीडियम के ऊपर जब स्ट्राइक करती हैं और वापस पहले मीडियम के अंदर बाउंस बैक करती है, डैट इज़ कॉल्ड अ रिफ्लेक्शन। साउंड के अंदर भी स्टूडेंट्स यही चीज़ होती है कि जब साउंड आपका इंसिडेंट होता है, ठीक है, किसी सरफेस पर पड़ता है एक मीडियम के लिए पर, ठीक है, तो वो बाउंस बैक करता है, यानी कि वापस आता है फर्स्ट मीडियम के अंदर। जब वो वापस कम बैक करता है फर्स्ट मीडियम के अंदर, उस चीज़ को हम कहते हैं डैट इज़ कॉल्ड अ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। इसके लिए कोई टाइम की लिमिट नहीं होती। याद रखें स्टूडेंट्स, वो वेव साउंड्स की जो रिफ्लेक्शन होती हैं एक सेकंड के 10वें हिस्से में, ठीक है, यानी कि 1/10 इज़ इक्वल टू 0.1 सेकंड। इसके अंदर जितनी भी वेव्स कलेक्टर होती हैं, कलेक्ट होती हैं, उसको हम कहते हैं डैट इज़ कॉल्ड इको। ये बेसिकली मेन डिफरेंस होता है किसके अंदर, साउंड रिफ्लेक्शन के अंदर, ठीक है, और इको के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक आज आपका लेक्चर था, बेस्ट ऑफ लक।